गुड मॉर्निंग क्लास फोर। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 मन के भोले भाले बादल पढ़ रहे थे। एक कविता थी, तो इसका मैंने अर्थ आपको बताया था और कविता लिखने के लिए भी दी थी। तो अभी हम इसके अभ्यास प्रश्न कर रहे थे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, कविता से आगे कुछ प्रश्न हैं इसमें, तो इनको आज हम करेंगे। पेज नंबर आपका 4 है। का तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? आपने कविता में पढ़ा कि बादल कैसे होते, तूफानी, कुछ तूफानी होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। तो तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? फिर देखिए खा, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? कौन से वो महीने हैं साल भर में जब क्या हमको आकाश में बादल ज़्यादा नज़र आते हैं? ग, पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। तो कविता में काले बादलों की बात की गई है, झब्बर झब्बर वाले बादल, काले काले बादल। तो क्या बादल सचमुच काले होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन प्रश्नों का उत्तर। तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो देखो, जब नमी से युक्त गर्म हवाएं बारिश के साथ तेजी से ऊपर की ओर जाती हैं, तब तूफान की स्थिति बनती है। इसमें तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कती है। आप लोगों ने भी देखा है जब बारिश का मौसम होता है, इससे ही तूफान पैदा होता है, इसलिए बादलों को तूफानी कहा जाता है। ख, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? ठीक है, तो अब आपने देखा जून जुलाई जो महीने होते हैं उनमें आपको दिखाई देगा, आप गौर करना इन चीज़ों पे कि तब आपको क्या करते हैं, बादल ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जून जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। फिर है कविता में काले बादलों की बात की गई, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? आपने भी देखा होगा आकाश में, क्या सचमुच में बादल काले होते हैं क्या? कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ गहरे स्लेटी रंग के। ठीक है ना, आप ध्यान देना इस कविता को पढ़ने के बाद, आप आकाश में देखना जिस दिन बादल छाए रहे होंगे, तो आप भी ध्यान देना कि किस तरीके से वो अपना रंग दिखाई देते हैं। तो बादल सचमुच काले नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनका अलग अलग रंग होता है। कभी काले दिखाई देते हैं, कभी स्लेटी रंग के दिखाई देते हैं, ग्रे जिसको बोलते हैं, और कभी ये हमको सफ़ेद नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं, इनको आज आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, और साथ में जैसे जैसे ये प्रश्न आप कर रहे हैं इनको साथ साथ आपको रीडिंग भी करनी है।